नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। चीन से दोस्ती और हिंदुस्तान से दुश्मनी के फेर में पाकिस्तान अपनी ही जुबान भूल गया है। ये तो उनके कायदे आजम जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान युवा उर्दू छोड़कर इन दिनों चीनी जुबान के पीछे पागल हुआ पड़ा है। स्पेशल क्लास में पाकिस्तानी लड़के चीनी भाषा में अपनी जुबान आजमा रहे हैं। चीनी भाषा यहाँ शौक नहीं बल्कि जीने मरने का सवाल बन चुकी है। और इस सवाल से ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान ने चीन की गुलामी कबूल कर ली है। इस्लामाबाद से ताज़ा खबर ये है कि मैंडरिन भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है और इसे सीखना पाकिस्तानियों के लिए मजबूरी बन चुका है। हर पाकिस्तानी जानता है कि आने वाले वक्त में उसे मुंह में निवाला तभी होगा जब उसकी जुबान पर चीनी भाषा होगी। आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि चीनी जुबान पाकिस्तानियों पर इस कदर हावी हो चुकी है? पाकिस्तान के हुक्मरान वहाँ के लोगों के मुकद्दर में चीनी जुबान क्यों लिख रहे हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अब चीन के हाथों में है और चीन के तमाम प्रोजेक्ट में उन्हीं युवाओं को नौकरी मिल रही है जो चीनी जुबान अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। चीन ने पाकिस्तान में करीब 60,000 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। चीन के इस निवेश को पाकिस्तान में तरक्की से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ के युवाओं को खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब दिखा जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि निवेश पाकिस्तान को चीन की गुलामी में धकेल रहा है। पाकिस्तान के रहनुमा मैंडरिन भाषा को चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन सच तो ये है चीन की भाषा दो देशों से ज्यादा पाकिस्तान को गुलाम बना रही है। आर्थिक तौर से खस्ता हाल पाकिस्तान के लिए चीन से आने वाले निवेश जरूरी हैं। चीन किसी बात से नाराज न हो जाए इसके लिए पाकिस्तान उसकी जुबान में बात करना चाहता है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।